अब हम पार्ट टू देखेंगे आज क्लास टेंथ का। हम सैंपल पेपर कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 है, स्त्रियों में गर्भधारण को रोकने के लिए कोई 3 विधियां लिखिए। स्त्रियों में जो गर्भधारण होता है उसको रोकने के लिए 3 विधियां बतानी है। फिर पूछा इनमें से कौन सी विधि पुरुषों के लिए उपयोगी नहीं की जा सकती, यानी जो ये विधियां होंगी गर्भधारण को रोकने की, तो वो कौन सी विधियां होंगी जो पुरुष के लिए उपयोगी नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद लिखा इन विधियों को अपनाने से एक परिवार के स्वास्थ्य और उसकी उन्नति पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जब वो इन विधियों को अपनाएंगे तो उससे एक परिवार के स्वास्थ्य और उसकी उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्त्रियों में गर्भधारण को रोकने की कोई 3 विधियां। पहला है यांत्रिक अवरोध विधि। इस विधि में पुरुष सीसन को ढकने वाले कंडोम तथा स्त्रियां डायाफ्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हार्मोन विधि यानी रासायनिक विधि। इस विधि में स्त्रियों को गोलियां यानी गोलियां मौखिक यानी मुंह से या यौनिक दी जाती हैं। ठीक है, जो उनके हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करती हैं, ठीक है, ताकि वे गर्भधारण ना कर सकें। ठीक है, तीसरा होता है शल्य विधि। इस विधि में शल्य चिकित्सक यानी जो ऑपरेशन वाले डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा पुरुषों की शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। जो शुक्रवाहिनियां होती हैं उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है तथा स्त्रियों की अंडवाहिनी को बाधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यानी पुरुष में भी किया जाता है, स्त्री में भी, दोनों में ही ऑपरेशन से किया जाता है, यानी उसको चिकित्सा कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंड जो है गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते और जो गर्भधारण है उसको रोक लिया जाता है। तो गर्भधारण को रोकने की 3 विधियां हो गई, यांत्रिक अवरोध विधि, हार्मोन विधि, शल्य क्रिया विधि। अगला है हार्मोन विधि का प्रयोग पुरुषों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न पूछा था कि मतलब कौन सी विधि जो है पुरुष के लिए उपयोग नहीं है, तो वो हार्मोन विधि है। ठीक है, इन विधियों को अपनाने से परिवार के स्वास्थ्य तथा उसकी उन्नति पर प्रभाव, अब ये बताना है। ठीक है, ये वाली टॉपिक। तो लिखा है गर्भधारक विधियों को अपनाकर एक परिवार बच्चों की संख्या को सीमित कर सकते हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति यानी जो पैसे वगैरह होते हैं और जो इनकम होती है वो सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे परिवारों में कम बच्चे होने से माता पिता उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा पोषण यानी खान पान दे पाएंगे, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यही नहीं, इन विधियों को अपनाने से बढ़ती जनसंख्या जैसी भयानक समस्या यानी जो बढ़ती जनसंख्या है, ये जो भयानक समस्या है, इससे भी नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन में क्या है कि एक लेंस द्वारा वस्तु की सभी स्थितियों के लिए हमेशा सीधा तथा छोटा बनता है, बताइए यह लेंस किस प्रकार का है। यानी कोई लेंस है जिसमें कहीं भी रख दो तो वो हमेशा सीधा और छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, तो बताइए यह लेंस किस प्रकार का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। इसके लिए एक किरण आरेख खींचिए। तो ये अवतल लेंस हमने बना के ये जो अनंत और जो प्रकाशीय केंद्र है या फिर इनके बीच में कहीं भी आप रख दो, ठीक है, फोकस के यहाँ भी मतलब रख सकते हो, तो इसके आगे कहीं भी रख दो आप, मतलब तो यहाँ रखोगे तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो सामने यानी सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है। फिर पूछा यदि इस लेंस की शक्ति 10 डायोप्टर है, यानी जो लेंस है अवतल, इसकी जो पावर है शक्ति वो 10 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी याद करो। तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर पावर -10 डायोप्टर है तो पावर, तो माइनस का मतलब है अवतल ही लेंस है। अवतल लेंस को इंग्लिश में कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, और मतलब शक्ति मतलब फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है निकालने का 1/p, तो p बराबर 1/f होता है, तो f बराबर भी 1/p होगा, तो इसको बराबर 1/-10,
तो इसको डिवाइड देने पे 0.1 मीटर आएगा, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में भी आ जाएगा। इसलिए इस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमने सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 मल्टीप्लाई किया है, इसका ध्यान रहे, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और होता है कि एक डायोप्टर क्या होता है। एक डायोप्टर उसे कहते हैं ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उसकी जो मतलब डेफिनेशन होती है वो एक डायोप्टर कहलाती है, ठीक है। अगला है जल जीवन की मूल आवश्यकता है, यानी जो पानी है वो जीवन की मूल आवश्यकता है एवं एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और आपके विज्ञान के अध्यापक आप चाहते हैं कि आप महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जल इसको कैसे बचाया जाए विषय पर एक रचनात्मक आकलन क्रियाकलाप की योजना बनाइए, ठीक है। आप कोई 2 ऐसे उपाय बताइए जो कि आपके पड़ोस को पानी को कैसे बचाया जाए के लिए जागरूक कर सके। और एक और प्रश्न है कि एक ऐसा सुझाव दीजिए जिससे भूमजल जो जमीन का पानी है उसका स्तर और नीचे ना जाए, जो पानी का स्तर है वो दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो है पानी को कैसे बचाया जाए के लिए जागरूकता लाने वाले 2 उपाय। हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को पानी को बचाने हेतु कई उपाय सुझा सकते हैं, जैसे नहाने, बर्तन कपड़े आदि क्रियाएं संपन्न होने के बाद नल को भली प्रकार से बंद कर देना चाहिए, यानी यूज करने के बाद नल को बंद कर दें या टोटी को बंद कर दें, तथा नहाने के लिए शावर के स्थान पर अब बाल्टी का प्रयोग करें क्योंकि शावर में ज्यादा पानी वेस्ट होता है, बाल्टी में बचत होता है। दूसरा है कि हम घर घर जाकर एक अभियान द्वारा लोगों को पानी का विकट अभाव और गर्मियों के मौसम में पानी की कमी के विषय में जागरूक कर सकते हैं। तीसरा है कि मैं यह सुझाव भी दे सकता हूं कि अपने मोहल्ले के पार्क में ऋतु के दौरान व्यर्थ होने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है, यानी बारिश के पानी को बचाएं, ताकि गर्मियों में जब पानी की बहुत किल्लत होती है तो इस संग्रहित पानी का उपयोग किया जा सके और बगीचे वगैरह में यूज हो सके। अगला है, एक प्रश्न और था कि एक ऐसा सुझाव दीजिए जिसमें भूम जल का स्तर और नीचे ना जाए। तो भूम जल का स्तर और अधिक नीचे ना जाए इसके लिए हम वर्षा जल को अपने क्षेत्र में पार्क और किसी घास के मैदान में बने भूमिगत टैंकों में संग्रहित कर लेंगे, यानी हम अगर भूमिगत टैंक बनाएं तो हम जल को बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था 15वां क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। जो पीएच होता है, पी का मतलब पंपास यानी पावर, ये पावर नापता है किसी भी विलयन में हाइड्रोजनों की। तो हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच होता है इसका क्या महत्व है। फिर एक और प्रश्न है कि साधारण नमक से क्लोरीन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे शरीर में अमाशय यानी जो हमारा स्टमक होता है जो जी आकार का होता है और एक छोटी आंत में भोजन का पाचन एक विशेष पीएच मान पर ही होता है, यानी जो पीएच मान है हमारे भोजन के पाचन में सहायक है। यदि इन अंगों में पीएच के मान में परिवर्तन हो जाए तो भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो एक तो ये यूज है जिससे पीएच से हम पता कर सकते हैं बीमारियां शरीर की या पेट की। दूसरा है कि मुख गुहिका में जब पीएच का मान, हमारे मुंह में पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों की ऊपरी परत हटने लगती है तथा दांत खोखले हो जाते हैं। तो अगला हमारा, मुख गुहिका में जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों की ऊपरी परत हटने लगती है और दांत खोखले हो जाते हैं यानी सड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्षारीय दंत मंजन यूज करना चाहिए ताकि हमारे दांत ना सड़ें, ठीक है, और डेली ब्रश भी करें, तो इससे पीएच से पता चलता है दांतों का सड़ना। ऐसी तीसरा है कि सजीव प्राणी पीएच मान के बेहद कम परिवर्तन में जीवित रह पाते हैं। जब अम्लीय वर्षा का पानी पानी के स्रोतों जैसे तालाबों, नहरों, नदियों आदि में बह जाता है तो यह जलीय जीवन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। पौधे को भी अपने स्वास्थ्य वृद्धि के लिए एक विशेष पीएच मान की आवश्यकता होती है। जितने भी पेड़ पौधे प्राणी होते हैं वो एक विशेष पीएच परास के बीच में ही जीवित रहते हैं। जैसे मानव के जो रक्त है उसका पीएच मान जो है वो 7 से 7.4 या 8 के बीच में ही मतलब जीवित रहता है। तो मानव जो शरीर है वो पीएच मान के रेंज में ही निर्भर है, ठीक है। एक प्रश्न और था यहाँ पे कि साधारण नमक से क्लोरीन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार
बन सकते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका विद्युत अपघटन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और एनोड पर जो कि प्लस होता है उस पे क्लोरीन गैस प्राप्त होती है तथा विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और क्षार प्राप्त होता है जो कि एक क्षार होता है। ठीक है, इस प्रक्रम को क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये आपका नमक हो गया, इसको हमने जल में घोला, यहाँ पे हमने विद्युत अपघटन कराया, यहाँ पे हम विद्युत अपघटन लिख देंगे, तो आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार होता है, और एक ये आपका क्लोरीन और एक गैस बन रहा है, इसमें क्लोरीन और क्षार बन रहा है, इसीलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। ये हमारे पार्ट दो से था। अगला पढ़ते हैं हम 17वां क्वेश्चन। एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का चित्र बनाकर इसका कार्य लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, पौधों में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका, देखो ये हमारा तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तो ये तंत्रिका कोशिका हमारे पूरे शरीर में संगठित फैला एक जाल होता है, ये ना सूचनाओं को ग्रहण करता है और उसको शरीर के जो हमारा नियंत्रण वाला भाग होता है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, उनकी मतलब संदेश पहुंचा के शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है। ये जो हमारा न्यूरॉन का चित्र है, इसमें ये जो धागे जैसी संरचना नजर आ रही है, इसे डेंड्राइट या द्रुमिका कहते हैं, इंग्लिश में डेंड्राइट। इसका एक केंद्रक होता है और ये जो इसमें द्रव भरा होता है, ये जीवित द्रव होता है, इसमें कोशिका का है, सेल बॉडी कहते हैं। ये आपका एक्सोन होता है, तंत्रिकाक्ष, इसे इंग्लिश में एक्सोन भी कह देते हैं, हिंदी में भी कभी कभी एक्सोन लिख देते हैं। ठीक है, और तंत्रिका का ये अंतिम सिरा है। तो हमने ये न्यूरॉन का चित्र बना दिया। तो ये क्या करता है द्रुमिका, कि यहाँ से ये विद्युत आवेगों मतलब जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको ग्रहण करता है, गर्मी ठंडी दर्द चोट इन सबको ये महसूस करता है और इसको सेल बॉडी को यानी कोशिका काय को भेज देता है। कोशिका काय विद्युत आवेग पैदा करता है, विद्युत आवेग, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करता है, और ये इस तंत्रिका से होते हुए ये हमारे जो इस तंत्रिका का जो अंतिम सिरा होता है यानी यहाँ पे भेज देता है। ये जो खाली पड़ा जगह है यहाँ पे अब दूसरा एक न्यूरॉन होता है, फिर वो इस और ये जो बीच में खाली पड़ी जगह है इसे बोलते हैं अंतर्ग्रथन, तो इसे सिनेपस भी कहते हैं, साइनेपस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब ये कोशिका काय विद्युत आवेग उत्पन्न करता है तो यहाँ भेज देता है, फिर यहाँ पर ये दूसरे तंत्रिका के डेंड्राइट ग्रहण करके वो अगले में भेज देते हैं, इस प्रकार से फिर ये मेरु रज्जु में चला जाता है, फिर मस्तिष्क को संदेश पहुंच जाता है, तो ये नियंत्रण का काम करता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, जो हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र है उसकी कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, कार्य किसी भी संवेदी अंग की सूचना तथा तंत्रिका कोशिका के ध्रुवीकृत सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, यानी जो भी सूचनाएं होती हैं वो इस वाले भाग से मतलब प्राप्त की जाती हैं ध्रुवीकृत से, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा या एक विद्युत आवेग पैदा करता है, और ये आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर ये द्रुमिका में पैदा होता है, फिर ये कोशिका काय में जाता है, फिर ये विद्युत आवेग को आगे भेजता है, और तब तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का मोचन करता है, जब यहाँ आता है तो कुछ रसायन छोड़ता है, ये रसायन सिनेपस को पार करते हैं, ये सिनेपस, इसे हिंदी में अंतर्ग्रथन कहते हैं, खाली जगह को, और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह के विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेगों की मात्रा की सामान्य योजना है। इस तरह का एक अंतर्ग्रंथन अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथ तक ले जाता है, फिर ये यहाँ से किसी दूसरे तंत्रिका कोशिका या दूसरी पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक संदेश पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न एक और था कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, प्रकाश की ओर मुड़ना होता है। ठीक है, पौधों में प्रकाशानुवर्तन, पौधों की प्रकाश की ओर वृद्धि को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जो कोई पौधा होता है उसे अगर हम अंधेरे कमरे में रख दें तो खिड़की से धूप आने दें तो जो पौधे का जो टहनी होगी या पौधा होगा वो प्रकाश की ओर यानी खिड़की की ओर बढ़ने लगेगा, तो इस घटना को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधों को तना भाग प्रकाश की ओर वृद्धि और गति करता है तथा इसकी जड़ें प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती हैं।
ऑक्सिन हार्मोन द्वारा इस वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। छाया की तरफ ऑक्सिन अधिक बनता है और प्रकाश की तरफ ऑक्सिन कम बनता है, जिससे छाया की तरफ तने की वृद्धि अधिक होती है तथा प्रकाश की तरफ कम वृद्धि होती है। इस कारण पौधे का तना समांतर प्रकाश की ओर झुका हुआ होता है। जो प्रकाश की ओर जो पौधे होते हैं उसका तना जो है उसकी ओर झुकने लगता है, क्योंकि जो एक हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन, ये प्रकाश से छाया वाले भाग में रहना चाहता है। इसीलिए जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, और जो ऑक्सिन हार्मोन के कारण पेड़ पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं और पेड़ पौधों की लंबाई जो है तेजी से बढ़ती है। तो एक ऑक्सिन होता है वो पौधों की लंबाई बढ़ाता है, और एक ऑक्सिन होता है जो जड़ों में भी होता है और वो अंधेरे की ओर नीचे की ओर जड़ों को जल अवशोषण करने के लिए नीचे की ओर उनकी वृद्धि करता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हमारा, सौर सेल पैनल का वर्णन कीजिए। फिर एक और प्रश्न है, एक पवन चक्की के कार्य सिद्धांतों के विषय में भी लिखिए। तो सौर सेल पैनल, तो जब काफी समय संख्या में सौर सेलों को एक साथ विशेष प्रकार के बोर्ड लगाकर ऊंचे खड़ा कर दिया जाता है तो इस व्यवस्था को सौर पैनल कहते हैं। इन सभी सौर सेलों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा काफी अधिक मात्रा में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसे भी कहते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और मतलब वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं वोल्ट। ठीक है, तो सौर सेल पैनलों का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में जो सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मतलब मानव द्वारा मोचित होते हैं अंतरिक्ष में, उनमें इनका यूज होता है, तथा दूर दराज के स्थानों पर जो बहुत ही दूर दूर के गांव होते हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाती, वहां पर भी विद्युत आपूर्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर का उपयोग होता है। सिल्वर मतलब होता है चांदी, तो आपके चांदी का प्रयोग होता है। चांदी का मात्रक Ag होता है, अर्जेंटम से इसका नाम चांदी पड़ गया है, यानी इसको Ag कहते हैं सिल्वर, क्योंकि सिल्वर विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए सौर पैनल में सिल्वर यूज होते हैं। इस वजह से ये सौर पैनल बहुत महंगे होते हैं, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, यानी चांदी की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए बिजली आराम से बनाएगा। और सिल्वर सौर सेलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। एक प्रश्न है कि एक पवन चक्की के कार्य सिद्धांतों के विषय में लिखिए। पवन चक्की का कार्य सिद्धांत, पवन चक्की एक संयंत्र है जिससे पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। पवन की तेज गति से पवन चक्की की आंखों में घूर्णन गति दी जाती है। इस घूर्णन गति से जनित्र के टरबाइन को गतिशीलता मिलती है, यानी जो मतलब पवन चक्कियां होती हैं, बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगी होती हैं, तो जो हवा चलती है जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होनी चाहिए, तो उससे जब चलती हवा तो पंखुड़ियां घूमती हैं, और उसके घूमने से हम जो टरबाइन लगाया होता है या जनित्र लगाया होता है वो मतलब घूमता है, तो उससे टरबाइन की गतिज ऊर्जा को फिर जनित्र द्वारा, यानी जो जनरेटर होता है जनित्र, वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। पवन चक्कियों की पंखुड़ियों की घूर्णन गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए भी किया जाता है, और आटे की मिल में भी किया जाता है, पानी के पंप में भी किया जाता है, और जिस विशाल क्षेत्र में बहुत अधिक पवन चक्कियां लगाई जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा फार्म बोलते हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा फार्म। तो हमने ये पवन चक्की के पूरे कार्य सिद्धांत के बारे में और इसके उपयोग के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां, कुछ यौगिकों को हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, यानी जो कुछ यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से बने हैं। फिर पूछा है अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या आपने सुना होगा अल्केन, एल्कीन और एल्काइन, श्रेणियों को सामान्य सूत्र लिखिए। इनके कुछ सूत्र होते हैं वो भी लिखने हैं। फिर प्रत्येक श्रेणी के पहले सदस्य का संरचनात्मक सूत्र भी लिखना है, यानी सभी श्रेणी जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इनके जो पहला वाला सदस्य होता है उसका रासायनिक सूत्र लिखना है। उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिस द्वारा एल्कीन यौगिकों को एल्केन में बदला जा सकता है, यानी एक एल्कीन के यौगिक को एल्केन में बदलने के लिए जो प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, उसका नाम लिखना है और इस अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। तो पहला प्रश्न था कुछ यौगिक को हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं। इन यौगिकों के अणुओं में केवल कार्बन और हाइड्रोजन के ही परमाणु होते हैं, इसीलिए इन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं।
इनका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n+2-2। ठीक है, तो प्रत्येक श्रेणी के पहले सदस्य का संरचनात्मक सूत्र अब देखेंगे। तो हमारा पहला होता है एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CH, एल्केन के में पहला सदस्य मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4। फिर होता है एल्कीन, तो यानी इसमें एथेन, और फिर एल्काइन यानी एथाइन। ठीक है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है हर जगह आप देख रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के चेन में, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यानी इसका फॉर्मूला रहा आपका CH4। ठीक है, इसका रहा C2H4 और इसका रहा C2H2। ठीक है, तो मीथेन, एथेन और एथाइन। अब बोला था एल्किन यौगिकों को एल्केन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड वाला इथीन है, इसको हाइड्रोजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए निकेल या पैलोडियम की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो गर्म करने से ही आपका एथेन बन जाता है, तो एथीन से एथेन बन गया। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। ठीक है, और इस अभिक्रिया में निकेल जो होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित के कार्य लिखिए। जो मनुष्य में जो मादा जनन तंत्र है उसमें जो इन अंगों के कार्य बताने हैं। ठीक है, पहला है अंडाशय। अंडाशय इसमें मादा जनन कोशिकाएं बनाती हैं, जो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अगला है कि गर्भाशय के कार्य बताइए। गर्भाशय मादा अंडाणु के निषेचन के बाद वह गर्भ में भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है, यह भ्रूण फिर गर्भाशय में गर्भाशय को प्लेसेंटा पर स्थापित होकर पूर्ण बच्चे में के विकसित होता है, यानी जो गर्भाशय होता है इसके अंदर ही गर्भधारण होता है, और फिर उसमें फिर वो भ्रूण बनता है, भ्रूण जो होता है फिर धीरे धीरे प्लेसेंटा बनने पे उसमें बच्चे का विकास होता है। ठीक है, अगला था अंडवाहिका का कार्य। अंडवाहिका इस भाग में नर शुक्राणु द्वारा मादा अंडाणु का निषेचन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन, और निषेचन अंडाणु को गर्भाशय तक अंडवाहिकी द्वारा पहुंचाया ही जाता है। ठीक है, अगला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मनुष्य में मादा में प्लेसेंटा की संरचना और कार्य बताना है। प्लेसेंटा की संरचना, यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है, इसमें भ्रूण की तरफ के ऊतक में विशेष प्रकार के प्रवर्ध होते हैं, माँ के ऊतकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। प्लेसेंटा के कार्य भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों प्लेसेंटा से माँ के रक्त द्वारा रक्त प्रदान, मतलब रक्त द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी जो भ्रूण होता है प्लेसेंटा के द्वारा ही वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को प्राप्त करता है। ठीक है, और लिखा है कि विकासशील भ्रूण द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उनको प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा 21वां क्वेश्चन। यदि एक दर्पण द्वारा उसके सामने रखी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है तो वह दर्पण किस प्रकार का है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दर्पण का उपयोग भी लिखिए। तो पहले ये समझते हैं, तो लिखा है कि ये दर्पण उत्तल है। उत्तल दर्पण क्यों है? क्योंकि प्रश्न में कहा था कि ये आभासी भी बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, तो आपका उत्तल दर्पण जो है यहाँ पर जो कोई भी बिंब रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा, सीधा, ये सब बनेगा आभासी। ठीक है, किरण आरेख पूछा था तो हम ऐसे बना देंगे। इसका उपयोग गाड़ियों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में और दुकानों में, फैक्ट्रियों में सुरक्षा दर्पणों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दीजिए, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे आर कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है। उस दर्पण का फोकस दूरी भी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, और यह दर्पण किस प्रकार का है?
तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या कहलाती है या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मान लो ये कोई हमारा अवतल दर्पण है, तो अगर इसको हम पूरा समझें तो ये पूरा एक ना गोल हिस्से का ही एक भाग है, और इसका जो केंद्र होता है तो केंद्र से लेकर मान लो ये ध्रुव है तो इसकी जो बीच की दूरी है इसी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं और यह दर्पण के पी से सी की दूरी के बराबर है। ये ध्रुव है पी पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र सी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। और अगर आर अगर 24 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी, तो यानी 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। अब प्लस का 12 दर्शा रहा है कि ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में ये तो अवतल बनाया है हमने, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी मतलब राइट हैंड साइड होती है, इस तरफ की दूरी प्लस होती है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। ठीक है, एक प्रश्न है अगला अथवा में, एक विद्यार्थी जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है वह 5 मीटर की से दूर रखी वस्तुओं को ठीक प्रकार से नहीं देख पाता है, ऐसे 2 कारण लिखिए जिसके कारण उसे यह दृष्टि दोष हुआ है। यानी एक कोई लड़का है, एक विद्यार्थी जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है वह 5 मीटर की दूर रखी वस्तुओं को भी नहीं देख पा रहा है, तो कोई 2 कारण लिखिए जिसके कारण उसे यह दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, इसमें भी आगे भी प्रश्न है कि किरण आरेखों की सहायता से समझाइए कि वह विद्यार्थी 5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को ठीक प्रकार से क्यों नहीं देख पाता है और किस प्रकार के उत्तल लेंस से यह दृष्टि दोष ठीक हो सकता है। इस दोष में यदि ठीक करने वाले लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इस लेंस की शक्ति चिन्ह परिपाटी के अनुसार ज्ञात कीजिए, शक्ति भी क्या निकालना है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के 2 ही कारण होते हैं, नेत्र गोलक का आकार का बढ़ जाना और उसकी आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या सामान्य लेंस की वक्रता त्रिज्या से अधिक हो जाना, यानी वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक है, किरण आरेख ऐसा है कि दोष वाला है, तो दूर स्थित बिंब में समांतर किरणें अनंत से किरणें आ रही हैं, ये रेटिना पे बननी चाहिए लेकिन ये पहले बन जाती है, तो इस निकट दृष्टि उसमें पहले बन जाती है, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनना चाहिए, बन जाता है। अब इसे ठीक करना है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष को संशोधन के लिए किरण आरेख। अब यहाँ पे अगर हम अवतल दर्पण लगा दें जो कि बीच से पतला होता है किनारे से मोटा होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कनकेव लेंस, तो अगर इसे लगाया जाए या इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, तो ये दोबारा जो यहाँ पे बन रहा था पहले इसको दोबारा रेटिना पे बना देगा और वो जो बच्चा है वो मतलब पढ़ पाएगा, उसका निकट दृष्टि दोष भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न था कि इसकी फोकस मतलब शक्ति निकालना था, तो फोकस दूरी 5 मीटर दिया था, तो अवतल लेंस है ना, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी इसकी फोकस दूरी इस तरफ होती है। ठीक है, इधर तो इसलिए इधर की दूरी नेगेटिव लेते हैं, तो हमने यहाँ पे -5 लेके अब हमें क्या निकालना है, शक्ति 1/f, तो शक्ति का फॉर्मूला लगा देंगे तो -0.2 डायोप्टर, ठीक करने वाले अवतल लेंस की शक्ति हो जाएगी -0.2 डायोप्टर। तो हमने सेक्शन ए पूरा कर लिया है, अब हम सेक्शन बी कर रहे हैं। किसी वोल्ट मीटर के न्यूनतम माप से तुम क्या समझते हो, तो 2 बिंदुओं के बीच किसी वोल्ट मीटर द्वारा कम से कम विभवांतर मापने की क्षमता को उसकी न्यूनतम माप कहते हैं। कह रहा है कि 1 वोल्ट मीटर में 0 से 0.5 वोल्ट चिन्ह के बीच 20 छोटे छोटे भाग हैं। इस वोल्ट मीटर की न्यूनतम माप क्या मान गया थी क्या होगी, तो 2 बिंदुओं के बीच का माप जो है वो 0.5 से माइनस कर दो 0.0, तो 0.5 वोल्ट है। इन दोनों बिंदुओं के बीच भाग अगर 20 है तो वोल्ट मीटर की न्यूनतम माप निकालने के लिए हम इसको भाग करेंगे 20 से, तो हमारा एक खंड में आएगा 0.025 वोल्ट। ठीक है, अगला है किसी पीएच पेपर का प्रयोग एक विलयन के पीएच मान को निकालने में कैसे किया जाता है, यदि जल का पीएच मान 7 है तो इसकी तुलना में सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन व तनु HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होगा। एक ड्रोपर की सहायता से दिए गए विलयन की बूंद पीएच पेपर की कतरन पर डालने पर जो रंग पीएच पेपर की कतरन पर प्राप्त होता है उस रंग का पीएच चार्ट के रंग से मिलान करके उस विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो कि NaOH है का मान पीएच
मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय प्रकृति का है, तो इसका मान 7 से बड़ा होगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान 7 से कम होगा, क्योंकि जो ये अम्लीय प्रकृति का है इसलिए। ठीक है, एक पत्ती की झिल्ली में स्टोमेटा छिद्रों को देखने के लिए एक अस्थायी स्लाइड को बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। अस्थायी स्लाइड बनाते समय की जाने वाली सावधानियां, झिल्ली हमेशा ताजी तोड़ी गई पत्तियों से ही लेनी चाहिए ताकि कोशिकाएं जीवित रहें। झिल्ली को हमेशा स्लाइड के मध्य भाग में ही रखना चाहिए, बीचों बीच रखना चाहिए। पत्ती की झिल्ली सूखनी नहीं चाहिए। झिल्ली पर कवर स्लिप धीरे धीरे आराम से रखनी चाहिए ताकि हवा के बुलबुले बीच में ना रह जाएं। स्लाइड को हमेशा किनारे से पकड़ना चाहिए ताकि वह गंदी ना हो जाए। अगला है, प्रयोगशाला में साबुन बनाने के लिए हमें कौन कौन से रसायनों की आवश्यकता होती है। साबुनीकरण की अभिक्रिया में अभिकारकों के मिश्रण की प्रकृति अम्लीय अथवा क्षारीय जानने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करेंगे। साबुन बनाने के लिए आवश्यक रासायनिक रसायन कोई एक वनस्पति तेल, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में साधारण नमक और साबुन बनाने के बाद साबुन की पहचान लिटमस पत्र के द्वारा की जाती है और लिटमस पत्र से यानी जांच होती है। साबुन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इससे पता चल जाता है कि साबुन एक क्षारीय पदार्थ है। साबुन जो होता है वो अल्केली होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, कड़वा होता है, छूने में बहुत ही मुलायम लगता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से 14 तक के बीच में होता है। अगला है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन दिखाने के लिए क्रम से 4 अवस्थाएं दर्शाते हुए चित्र बनाइए। तो ये हमारा अमीबा है, ये इसका केंद्रक हो गया। ये धीरे धीरे केंद्रक लंबा हो रहा है, विभाजित होता है केंद्रक, फिर ये और लंबा होकर अभी 2 डॉटर में बढ़ जाएगा, यानी 2 पुत्री अमीबा में बढ़ जाएगा। तो हमने चित्र बना दिया, तो अमीबा में द्विखंडन होता है, इसका क्रमबद्ध चरण दिखा दिया। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक मोमबत्ती की ज्वाला जो एक उत्तल लेंस से 2 मीटर की दूरी पर पड़ी है के प्रतिबिंब को एक पर्दे पर प्राप्त करता है। लेंस की फोकस दूरी 10 है। अब वह मोमबत्ती की ज्वाला को धीरे धीरे लेंस की तरफ ले जाता है तथा प्रत्येक बारी उसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करता है। अब उसका उत्तर दीजिए कि वह हर बार लेंस को किस तरफ ले जाएगा ताकि प्रतिबिंब हर बार पर्दे पर फोकसित हो और प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होता जाता है और पर्दे पर प्रतिबिंब की चमक का क्या प्रभाव पड़ता है। जब ज्वाला लेंस के काफी नजदीक होता है तो पर्दे पर क्या दिखाई देता है, लगभग लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि वह लेंस जो हर बार पर्दे से दूर मतलब वह लेंस को हर बार पर्दे से दूर करता जाएगा, प्रतिबिंब आकार में छोटे से बड़ा होता जाएगा, प्रतिबिंब की चमक फीकी पड़ती जाएगी, अब पर्दे पे ज्वाला का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हुआ ये वाला सेक्शन। अब हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।